PCSIR का ऐसा इकदाम, कोरोना वायरस के लिए मखसूस हैंड सैनिटाइजर्स बना लिए। हैंड सैनिटाइजर्स कोरोना वायरस से हिफाजती इकदाम के तहत बनाए गए। तर्जमान पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का ये कहना है। हैंड सैनिटाइजर्स को आलमी इदारा सेहत के स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया गया है। तर्जुमान ने कहा कि सैनिटाइजर्स 100 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम के पैकेट्स में दस्तयाब होंगे और सैनिटाइजर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के रीजनल ऑफिसेज में दस्तयाब होंगे और वजारत की जानिब से तमाम सूबाई हुकूमतों को इस मुतालिक आगाह कर दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी सैनिटाइजर तैयार कर लिए हैं और मार्केट में 450 में बिकने वाला सैनिटाइजर 22 रुपए में तैयार होता है। प्रिंसिपल डॉक्टर साजिद रशीद की जानिब से इस बारे में बताया गया है। ट्रैफिक पुलिस अहलकारों में सैनिटाइजर्स की बोतलें जुमेरात को मुफ्त फराहम की जाएंगी। डॉक्टर साजिद रशीद की जानिब से इस मुतालिक ये बताया गया है, आपको आगाह कर रहे हैं। सैनिटाइजर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के रीजनल ऑफिसेज में दस्तयाब होंगे। इसी पर बात करेंगे कैपिटल टीवी के नुमाइंदे नासिर भट्ट से। नासिर, कोरोना वायरस से बचाव के लिए मखसूस हैंड सैनिटाइजर्स तैयार कर लिए गए हैं, जो कि अच्छी खबर है, बताइएगा। बिल्कुल जी, मुल्क में कोरोना वायरस के खतरात के बाद हमने देखा है कि पहले मास्क, उसके बाद जो हैंड सैनिटाइजर्स थे उनकी काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसके बाद वफाकी वज़ीर बराए सेहत डॉक्टर जो टेक्नोलॉजी के हवाले से जो वफाकी वज़ीरानों की जानिब से खुसूसी हदायत जारी की गई थी और आज बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो PCSIR है उसकी जानिब से जो सैनिटाइजर हैं उनको बना लिया गया है और जो इब्तदाई तौर पर बताया गया है वो जो सैनिटाइजर्स हैं वो 100 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम के जो पैकेट्स होंगे उसमें तैयार होंगे और इनको बआसानी जो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के रीजनल दफातर होंगे वहां पर ये दस्तयाब होंगे। इस हवाले से जो बयान जारी किया गया है उसमें ये भी बताया गया है कि इसकी जो कीमत होगी वो इंतहाई मुनासिब रखी गई है। 250 रुपये में भी जो 100 मिलीग्राम का सैनिटाइजर होगा वो दस्तयाब होगा, तहम जो दूसरा सैनिटाइजर 250 मिलीग्राम का होगा उसकी कीमत 350 रुपये रखी गई है। जी, कीमत भी 350 रुपये रखी गई है। नासिर भट्ट, ये आगाह कीजिएगा कि मार्केट से जो हैंड सैनिटाइजर्स की किल्लत बताई जा रही है, अदम फराहमी बताई जा रही है, उसके हवाले से हुकूमत के क्या इकदामात हैं और ज़खीरांदोज़ों के हवाले से जो कार्रवाई करने का कहा गया है, क्या अब मार्केट में रसाई मुमकिन है, आवाम के लिए अवेलेबल है हैंड सैनिटाइजर्स? देखिए, इस हवाले से जो जिली हुकूमतें हैं वहाँ पर यकीनन कार्रवाइयाँ देखी गई हैं। हमने देखा है 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद में भी जिली हुकूमत की जानिब से कार्रवाई की गई थी और बड़ी तादाद में जो फेस मास्क हैं इसके साथ साथ जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं उनको बरामद किया गया था और इसी तरह जो दीगर अजला हैं वहाँ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है क्योंकि जो हैंड सैनिटाइजर हैं वो एक तादाद में मौजूद तो हैं, उनको फार्मेसी से हासिल तो किया जा सकता है, तहम जो उनकी कीमतें हैं वो आसमान से बातें करना शुरू हो चुकी हैं। तो इस हवाले से कोशिश की जा रही है, खसूसी कमेटी भी बनाई गई थी जिली हुकूमत की जानिब से कि शहर में जितने भी फार्मेसीज हैं वहाँ पर एक फिक्स रेट मुतय्यन किया जाए और उसकी जो दस्तयाबी है इसके साथ साथ जो रेट का वो जो वहाँ पर मौजूद है उसको बकायदा यकीनी बनाया जा सके। तो अब देखा जा सकता है, 2-3 रोज कब तो बाकायदा इस चीज़ का बहरान मौजूद था, रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, अभी कहा जा रहा है कि जो रेट्स हैं वो मुनासिब हद तक आ चुके हैं। जी नासिर भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका, इस्लामाबाद से तफसीलात से आगाह कर रहे थे आप।